नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे कमेंट्स में लोगों ने पूछा है कि दाल और चावल के साथ खाने वाली कोई ऐसी स्पेशल रेसिपी बताएं। तो इसलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए शिमला मिर्च के पकौड़े। इसमें कौन सी सामग्री लगेगी? तो मैंने ये चार बड़ी शिमला मिर्च को धो के अंदर का बीज निकाल के अच्छे से फिर से धोया है और ऐसे प्लेट में लंबा काटा हुआ है। इसके साथ मैं अब जो भी माप की कटोरी लेंगे वो दो आप बेसन की कटोरी ले लीजिए। इसमें मैंने एक टेबलस्पून अजवाइन लिया है और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमारे पकौड़े में जाएगा वो है आधा कटोरी प्याज, कटा हुआ प्याज। अब हम मिलाना शुरू करेंगे। मैंने एक बड़े कटोरे में दो बड़े टेबलस्पून तेल पहले से लिया हुआ है। इसमें मैं अजवाइन और इसमें मैं कटा हुआ प्याज मिलाऊंगी। तो हमने दो बड़े टेबलस्पून तेल लिया हुआ है, दो कटोरी भर के बेसन लिया है और वही आधी कटोरी कटा हुआ प्याज लिया है। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। इसमें चिमटी भर हल्दी, एक बड़ा टेबलस्पून लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैं कोई भी सोडा या फिर बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं मिलाने वाली। अब हम ये जो मिक्सचर है उसको मिक्स करेंगे। अब मैंने ठंडा पानी लिया हुआ है और मैं इसमें धीरे धीरे मिलाऊंगी। आपको एक ही साथ पूरा मिलाना नहीं है, हमको ऐसे एक बहुत ही गाढ़ा ऐसे मिक्सचर तैयार करना है। आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा ये मिक्सचर है। इसमें मैंने बिल्कुल कोई बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर मिलाई नहीं है, ये एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ये हमारा मिक्सचर रेडी है, अभी आप देख सकते हैं। तेल गर्म होने के लिए रखा है तो ये अभी गर्म हो गया है। तो अब हम शिमला मिर्च को इसमें डुबाएंगे। आप देख रहे हैं कैसे अच्छे से इसको लग रहा है शिमला मिर्च का मिक्सचर, और हम इसको तेल में छोड़ देंगे। अच्छी तरह इनको गोल्डन ब्राउन कलर का होने दीजिए पकौड़ों को, और फिर इनको थोड़ा साइड में करके एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। अब हमारे ये शिमला मिर्च के पकौड़े तैयार हैं और मैं इनको प्लेटिंग कर रही हूँ। आप इसको दाल चावल के साथ या फिर ऐसे ही स्नैक्स करके भी खा सकते हैं या फिर कोई साइड डिश स्टार्टर इस तरीके भी खा सकते हैं। आप इसके साथ चटनी और सॉस भी खा सकते हैं। ज़रूर करके देखिए रेसिपी, मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको रेसिपी और आपका क्या अनुभव रहा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।